नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू। नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप उद्यमी योजना से लाभ लेना चाहते हैं 2022-23 सेशन का, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पूरा ब्यौरा सरकार कितना का निकासी करेगी, प्रथम किस पर कितना खर्चा करेगी और द्वितीय किस पर कितना खर्चा होने वाली है, सारा का ब्यौरा जो 31/8/2022 को मीटिंग बैठाई गई थी उसी में सारा निर्णय लिया गया है। इस वीडियो में बारी बारी से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, साथ ही मैं बताने का प्रयास करूँगा कि इतना तो है कि 2022-23 सेशन का जो उद्यमी योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब आने वाला है इसका फिक्स डेट अभी अनाउंस नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि दिसंबर लास्ट तक 2022-23 सेशन में जितने भी चारों उद्यमी हैं, आपको SC ST महिला युवा EBC चारों कैटेगरी के लिए बारी बारी से मेरे पास जो भी PDF आ रहा है, फिलहाल अभी मेरे पास आया है अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के लाभार्थी का जो कितना खर्चा 2022-23 में होगा उसका ब्यौरा हमारे पास आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप जो ही अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि सर महिला उद्यमी हो गया, युवा उद्यमी हो गया, EBC हो गया, SC ST हो गया, इसका कब 2022-23 का फॉर्म का डेट आएगा, अभी फिलहाल मैं यही बताऊंगा कि अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अभी पिछले बार जो 2021-22 सेशन वाला का अभी क्लियर नहीं किया है, थोड़ा ये भी वजह हो सकता है कि आप लोग का डिले हो रहा है। हालांकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा यहाँ पे पूरा टोटलिंग दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र हेतु ऋण एवं अग्रिम मद में बजट उपलब्ध इतना दिया हुआ है 120,55,00,000 के विरुद्ध द्वितीय किस्त बात किया जाए 32% के रूप में करेंगे तो इतना आएगा रुपये जो है 38,57,60,000 मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी मैंने डाला था जून में डाला था और उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा जिक्र किया हुआ है कि वहाँ से निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग विभाग के स्वीकृति आदेश संख्या 1360 दिनांक 13/6/2022 द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र से जो राशि आप वहां पर देखेंगे, वीडियो भी मैंने डाल दिया है, जून में 247,20,00,000 एवं अनुसूचित जनजाति, ये देखिए अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र में इतना किया गया है और अनुसूचित जनजाति में इतना किया गया है, यानी 1545,00,000। अर्थात कुल मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे 262,65,00,000 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा प्रथम किस्त आपका 32% के रूप में इतना रुपये 86,67,45,000 मात्र की विमुक्ति के प्रदान की गई है। इसमें साथियों पूरा ये दिया हुआ है, इतना आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया है कि आप लोग घबराइए नहीं, 2022-23 सेशन का चारों कैटेगरी के लिए आएगा वैकेंसी। इस योजना हेतु वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी, वित्त विभाग से राशि आती है तभी वही राशि आपको दी जाएगी, आप लोगों को दी जाएगी, समझे। और इसमें है कि आपका इस राशि की अग्रिम निकासी BTC फॉर्म 26 पर की जाएगी। हालांकि क्या होता है कि वित्त विभाग से आता है, विभाग के आता है और ये बैंक में जाएगा और बैंक के माध्यम से आप लोगों का पेमेंट होता है, जैसा कि अब पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो इस राशि के निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी उप जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें में जो कौन खाता में पेमेंट आप लोग का जो आएगा, आप लोग का तो अलग जो पर्सनल आएगा उसी में आएगा, लेकिन क्या होता है कि विभाग के जहाँ पे आएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, समझे। तो यही बात है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे टोटलिंग ज़्यादा इसमें है नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो यहाँ साइन देखेंगे, ज्ञापन संख्या जो है 2186 है, और ये आपका 1/9/2022 है कि आप देख रहे हैं दिनांक है, और ये यहाँ पर बैठक जो बुलाई गई थी 31/8/2022 का यहाँ पर देख रहे हैं टोटलिंग है। तो 31/8/2022 को साइन हुआ है, और ये आपका साइन हुआ था 1/9/22 को आया था, इसके बाद ये आपका है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो न्यू दिसंबर तक ले जो है वेट कर लीजिए, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जब आप लोग जैसे कि देखेंगे 2021-22 लोग का, आप लोग भी वीडियो देखते होइएगा, उस लोग का इतना घिना दिया है कि बहुत टाइम उन लोग के लिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग का देरी से वैकेंसी अप्लाई होगा, और देरी से और सवेरे ही हो जाएगा, समझे। तो ऐसा है कि इसमें जब आप आने को सोच रहे हैं कि तो किसी भी दलाल के पैरा में नहीं पड़ना है। हूबहू मैंने जितना भी वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है 2022-23 के लिए। 2022-23 के लिए आप देखेंगे BST ऑल्टिस में जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022-23 का, तो उसमें चारों उद्यमी योजना का जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे PSC ST का जाएगा, तो वहाँ पर चारों उद्यमी योजना का आएगा, लेकिन पर्सनली जो मेरा वीडियो होता है ना, तो चारों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं थंबनेल में अगर दे देंगे कि व्यक्तिगत जो है युवा उद्यमी हो गया, महिला हो गया, EVC हो गया, SC ST हो गया, तो व्यक्तिगत अगर थंबनेल में देख लिया तो व्यक्तिगत ही होगा, लेकिन मेरा जो चारों उद्यमी योजना के लिए होता है। एक्चुअली होता है क्या है कि आप लोगों के मन में होगा कि उद्यमी योजना जो है ना एक ही होता है। उद्यमी योजना में चार योजना होती है, उद्यमी योजना में चार योजना होती है। कौन कौन होती है कि आपको नाम कैटेगरी वाइज अलग है, जैसे SC ST हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया, EVC हो गया, तो चारों उद्यमी योजना में क्या है कि अलग अलग है, और अलग अलग राशि आवंटित होती है, ताकि क्या है कि SC ST वाला जो राशि है उसमें नहीं जाएगा, महिला वाला इसमें नहीं आएगा, और युवा वाला उसमें नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो भी अगर क्यूरीज है तो इसी वीडियो के नीचे में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ओके, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।